दोस्तों, लोग जब भी स्टॉक खरीदने का सोचते हैं तो उनके मन में हमेशा एक सवाल आता ही है कि हमें कोई स्टॉक कब खरीदना चाहिए। और ये इन्वेस्टिंग में शायद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि अगर आपने सारे फंडामेंटल एनालिसिस करके एक अच्छी कंपनी खोज भी ली लेकिन उसे ओवर वैल्यूड प्राइस पर खरीद लिया तो आपके रिटर्न्स आपको कभी भी खुश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज हम फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के बारे में जानेंगे, जो है वैल्यूएशन एनालिसिस। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी शेयर को कब खरीदना चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, पीई रेशियो की क्या इम्पोर्टेंस है, और आखिर में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि वॉरेन बफेट के गुरु बेंजामिन ग्राहम कैसे किसी स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते थे, जिसका यूज करके वॉरेन बफेट ने आज इतनी दौलत बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट हमेशा वैल्यूएशन पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अपनी यंग एज में जब वो अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से मिले, तब उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे एक अच्छे शेयर को सस्ते में खरीद कर अच्छे मुनाफे के बाद सेल कर दिया जाए। दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट भी है कि आप किसी शेयर को लेने से पहले उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू यानी फेयर वैल्यू जान लें और तभी उसमें अपना पैसा लगाएं। लेकिन ये इतना ज़रूरी क्यों है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए एक अच्छा सा चाय का स्टॉल है जिसकी इमेज भी अच्छी है, चाय की क्वालिटी भी मस्त है और ये दुकान पिछले कई सालों से प्रॉफिट में भी है। और मान लीजिए इसकी एनुअल प्रॉफिट 1 लाख रुपये है, लेकिन अब इस दुकान का मालिक इस दुकान को बेचना चाहता है। अब आप इस दुकान को लेने से पहले इसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस करोगे, जैसे कि इस दुकान की इमेज क्या है, मतलब कि इसकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में कैसी है, इसके चाय की क्वालिटी कैसी है और क्या ये आने वाले समय में भी ऐसे ही प्रॉफिट देते रहेगा। तो ये सारी एनालिसिस को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। इसके बाद आप ये देखोगे कि ये दुकान अपने पास्ट में कितना प्रॉफिट कमाते आ रही है और इस दुकान का कहीं उधारी वगैरह तो नहीं है। और ये एनालिसिस को हम फाइनेंस की भाषा में क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये दुकान आपको हर तरफ से सही लग रही, मतलब ये दोनों एनालिसिस में पास हो गई और आपने ये देखा कि ये दुकान हर साल 15% का रिटर्न तो कमा ही रही है। तो अब हमें इस दुकान की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए एक फॉर्मूला है जो है इसकी प्रॉफिट या अर्निंग डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न। तो इस केस में हमें ये पता है कि इस दुकान की अर्निंग यानी कि प्रॉफिट 1 लाख रुपए को आपको डिवाइड करना है इस दुकान के रेट ऑफ रिटर्न से, जो कि हमें पता है कि ये 15% की है। लेकिन आपको इस रेट ऑफ रिटर्न को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो हम इस 15 को 0.15 लिखेंगे। अब आप कैलकुलेट करोगे तो इस दुकान की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। जैसे इस केस में इस दुकान की वैल्यू हुई 6,66,666 रुपये। चलिए इसे और सिंपल करते हैं। अब मान लीजिए आपने इस दुकान को खरीद लिया इसी प्राइस में जो हमने अभी निकाला, और आपको ये दुकान हर साल 1 लाख रुपए कमा कर दे रही है, जैसा कि हमने निकाला था इसके हिस्ट्री को एनालिसिस करके। और अब आप बोलोगे कि आपको इस दुकान से 15% का रिटर्न चाहिए, तो पहले साल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे जैसा कि आपने सोचा था। तो ये 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपके दुकान की वैल्यू का 15% होगा, यानी कि 6,66,000 का आप 15% निकालोगे तो आपको 1 लाख ही मिलेगा, और यही प्रॉफिट आपको हर साल मिलता रहेगा, जो कि 15% का एनुअल प्रॉफिट रिटर्न होगा। और दोस्तों, इसी को हम DCF यानी कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड कहते हैं। और वैल्यूएशन के पार्ट में ये बहुत ही खास मेथड है किसी कंपनी की इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने का। अब जिन्हें नहीं पता कि DCF क्या होती है, तो चलिए इसे भी मैं आसान तरीके से बताता हूँ। दोस्तों, आप कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को तो समझते ही होंगे कि इसमें हम अपने आज के पैसों को फ्यूचर में लेकर जाते हैं और उसे ग्रो करते हैं। जैसे कि आपका 100 रुपए अगले साल 15% के रेट से बढ़ा, तो अगले साल वो 115 रुपए हो जाएगा और उसके अगले साल वो 132 रुपए हो जाएगा। तो उसी तरह डिस्काउंटिंग में हम इसका उल्टा करते हैं। हम फ्यूचर के पैसों को जैसे अगले साल के रिटर्न या प्रॉफिट को डिस्काउंट करके प्रेजेंट में लेकर आते हैं और उसे कम करते हैं। मतलब कि अगर आपको 115 रुपए अगले साल मिलने वाला है, तो वो 15% के डिस्काउंट रेट के हिसाब से आज 100 रुपए होगा। तो दोस्तों, ये तो हुआ किसी दुकान या किसी कंपनी की वैल्यू निकालने का तरीका। अब हम जानते हैं कि वॉरेन बफेट के गुरु किस तरह किसी स्टॉक की इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते थे। दोस्तों, किसी भी कंपनी की जब आप इंट्रेंसिक वैल्यू निकालते हो, तो वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, मतलब कि वो सिर्फ एक अनुमान होता है। तो मिस्टर ग्राहम ने इंट्रेंसिक वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया था, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये फॉर्मूला अब तक का सबसे आसान फॉर्मूला माना जाता है इंट्रेंसिक वैल्यू को निकालने का। दोस्तों, सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ई, तो इस ई का मतलब है अर्निंग पर शेयर, मतलब कि पिछले साल कंपनी के पर शेयर की अर्निंग या प्रॉफिट क्या है। उसके बाद हमें ब्रैकेट में दिख रहा है पीई, मतलब कि कंपनी की करंट पीई रेशियो को यहाँ लिखना है।
उसके बाद हमें 2G दिखाई दे रहा है, जहाँ पर G का मतलब है कंपनी का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ग्रोथ। फिर उसके बाद हमें 5 अंक दिखाई दे रहा है। दोस्तों, ये 5 नंबर हमारे देश की AAA रेटिंग बॉन्ड की एवरेज यील्ड यानी उसके रिटर्न रेट को दिखाता है। उसके बाद हमें नीचे Y दिख रहा है, जिसका मतलब हमारे देश की AAA बॉन्ड की करंट यील्ड है। वैसे बेंजामिन ग्राहम USA के थे, तो वो अपने देश के गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट को लिखते थे। हम इंडिया के हैं, तो हम इंडिया के गवर्नमेंट बॉन्ड के रेट को लिखेंगे। तो दोस्तों, इस फॉर्मूला में क्या क्या है ये तो आप सब समझ गए। अब चलिए हम लाइव एग्जांपल से किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। एग्जांपल के लिए हम HDFC बैंक को ले लेते हैं। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहले हमें HDFC बैंक का EPS यानी अर्निंग पर शेयर देखना पड़ेगा। ये आप किसी भी वेबसाइट या गूगल पर सर्च करके निकाल सकते हो, आपको सब मिल जाएगा। तो HDFC बैंक का EPS 63 रुपीस का है। उसके बाद हमें इसका करंट PE रेशियो देखना है, जो कि है 23 का। उसके बाद हमें इसके प्रॉफिट ग्रोथ को निकालना है, ये एक एक्सपेक्टेड होता है। तो इसके लिए हम कंपनी के पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ रेट देखेंगे, जो कि है 18% का। उसके बाद हम अपने देश का एवरेज AAA रेटिंग बॉन्ड यील्ड डालेंगे, जो कि है 5% का। उसके बाद हम अभी करंट का AAA रेटिंग बॉन्ड यील्ड देखेंगे, जो कि है 7% का। तो अब इन सभी नंबर्स को इस फॉर्मूला में फिट करना है। तो इन सभी को कैलकुलेट करने पर हमें 2655 मिल रहा, मतलब ये HDFC बैंक की इंट्रिंसिक वैल्यू हुई। और आप अभी HDFC बैंक का शेयर प्राइस देखोगे तो वो अभी 1464 रुपए पर ट्रेड कर रहा है, मतलब ये स्टॉक इस फॉर्मूले के हिसाब से अभी अंडर वैल्यूड है। पर दोस्तों, क्या हमें सिर्फ स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालकर इन्वेस्ट कर देना चाहिए? दोस्तों, अगर ये इतना आसान होता तो आज हर कोई इन्वेस्टर बन जाता। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ एक एस्टिमेट वैल्यू होता है, और ये कई प्रकार से निकाले जाते हैं। और ये कैलकुलेशन आपका अपना पर्सनल कैलकुलेशन होता है, मतलब जरूरी नहीं कि आपका निकाला हुआ वैल्यू दूसरे वाले के निकाले हुए वैल्यू के ही बराबर होगा। और ये वैल्यू हमें आखिर में निकालनी चाहिए, इसके पहले हमें बाकी एनालिसिस करनी चाहिए, जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट और कंपनी के पास डेब्ट कितना है ये देखना चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक करना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने की जरूरत है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, आपको शेयर लेते समय मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि आपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला तो उससे आपको 5-10% सस्ते दामों पर ही खरीदना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।